एशिया न्यूज इंडिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना के केसेस भारत में बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आए हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो भारत में कुल 33,000 मामले सामने आए हैं, जबकि चौंकाने वाली बात ये है केवल केरल राज्य से 25,000 एक्टिव केसेस सामने आए हैं। अगर मौत का आंकड़ा देखें तो कोरोना की वजह से अभी तक पूरे देश में 308 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो 32,198 मरीज ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो केवल केरल राज्य से ही 25,010 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 177 लोगों ने कोरोना के संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवाई है। देश में लगातार कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने बहुत ही चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि हमें लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता लाने की जरूरत है। हमें भारत में कोरोना वैक्सीन की अब तक 73 करोड़ से भी अधिक डोजेस लगाई जा चुकी है। देश में अब तक इनमें 65,27,175 वैक्सीन डोजेस पिछले 24 घंटे में लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी तेजी से रही है। भारत में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए हम देशवासियों से ये अपील करते हैं कि वे अपने डोज को पूरा करें और दूसरों को भी जागरूक करें कि वे अपने वैक्सीनेशन के डोज को लें। कोरोना से जुड़ी सभी जानकारियों को लेने के लिए बने रहें हमारे साथ एशिया न्यूज़ इंडिया में।